कैफे मरीना, एक रूफटॉप रेस्टोरेंट, और ये है गेटवे ऑफ इंडिया के पास, और यहाँ से शानदार व्यू अरेबियन सी का। साथ में यहाँ पे शौकीनों के लिए बार काउंटर भी है। यहाँ के बड़ी स्क्रीन में आप लाइव मैच भी देख सकते हैं और टेबल पर इन छोटे रोशनियों से कई ख्वाब भी बुन सकते हैं। और दिलकश नजारों के साथ यहाँ खाना और पीना तो है ही, आइए हमारे साथ एक बड़ा ही यूनिक सफर पर। कैफे मरीना है साउथ मुंबई कोलाबा में, गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल पास। और इसी गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक और आइकॉनिक जगह, द ताजमहल पैलेस। शाम को रोशनी से नहाया हुआ क्या खूब लगती है ये ताजमहल पैलेस। और इसी ताजमहल पैलेस होटल से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है सी पैलेस होटल। और इसी होटल के छत में स्थित है कैफे मरीना द अपर डेक। आइए चलते हैं इस रूफटॉप कैफे में। लिफ्ट से हम सीधे रूफटॉप में, और यहां से व्यू देखिए, सामने है ताजमहल टावर और हम यहां। एक झलक देखते हैं यहां का एम्बियंस। तो ये है कैफे मरीना और यहां पे सारी टेबलें भरी हुई। यहाँ पे फैमिली आउटिंग भी है और स्टैग पार्टी भी हो रहा है, और सामने बड़ी स्क्रीन में लाइव मैच भी चल रहा है। और ऐसे हसीन माहौल को और हसीन बनाने के लिए यहाँ दवा भी मौजूद है। छत में ठंडी ठंडी हवा में आप बैठे हो और दो घूट गले से नीचे जाए तो इंसान छत से सीधे सातवीं आसमान पर। इस कैफे का मेन अट्रैक्शन है ये व्यू, और ये व्यू शाम को बिना पिए ही आपको मदहोश कर सकता है। तो इस व्यू के साथ कम से कम एक मॉकटेल हो जाए। आपके खाने पीने के साथ अगर ऐसा व्यू हो तो बड़ा प्रीमियम फीलिंग देता है। चलिए, हमारी टेबल अब सज चुकी है, रोशनी भी आ गई है टेबल पर। जल्दी से एक नजर देख लीजिए यहाँ के मेनू कार्ड पर। लोकेशन के हिसाब से यहाँ के प्राइसेस रीजनेबल लग रहे हैं। ऐसी जगहों में लोगों का खाने पे रुझान कम रहता है, बल्कि अपने परिवार या यार दोस्तों के साथ कुछ हसीन पल गुजारना उनका मेन मकसद रहता है। और ये रहा हमारा पहला स्टार्टर, नैचोस विद साल्सा एंड मेयोनेज। नैचोस कुछ खास नहीं, जस्ट ओके। हमारा अगला ऑर्डर, मिनिएचर कॉकटेल चिकन समोसा। समोसा के कोटिंग में काफी हींग डला हुआ और अंदर फिलिंग बहुत ही अच्छा। मेन को
कोर्स में हमने लिया बारबेक्यू चिकन फ्लैट ब्रेड, अर्थात एक थिन क्रस्ट पिज्जा। ये पिज्जा प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक था। यहाँ का खाना जैसा भी हो, यहाँ का एम्बियंस सभी चीजों को कवर कर देता है। और हम भी यहाँ पे खाने थोड़ी ना आए थे, हम आए थे यहाँ पे ऐसे माहौल में कुछ हसीन पलों को संजोने के लिए। और हमारे ये पल वाकई में काफी हसीन थे।